मेरा नाम निर्मल, मैं आरसेटी कठुआ से। ये आरसेटी एसबीआई जो प्रोग्राम देती है, जो महिलाएं पढ़ लिख ज़्यादा नहीं होती गांव में, तो उनको जो आरसेटी सेंटर प्रोवाइड करती है, जैसे हर गांव में, हर गांव में जाके उम्मीद के सेंटर बने हुए हैं, तो हम लोग भी उधर जाके इन लोगों की लिस्ट देके या इन लोगों के ग्रुपों को मैं जाके मिलके इकट्ठा करके इनको, जैसे सेंटर हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, लेकिन उनमें से हमारे जो शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, जैसे कटिंग टेलरिंग हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, जूट बैग हो गया, टैडी वेयर हो गए, ये औरतों के लिए बहुत मशहूर एक ट्रेड होते हैं। ये मतलब अगर हम इन लोगों को 13 दिन का या महीने का हम वो देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो ये हमारा ट्रेनिंग देने का एक ही मकसद है कि ये औरतें अपने पाँव पे खड़े होके और अपना गुजारा भी करें, साथ में लोगों को या दो चार लोगों को काम भी दे। सही इस ग्रुप का जो ट्रेनिंग का मतलब है कि ईडीपी क्या होता है। ईडीपी में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंटशिप प्रोग्राम, ग्रामीण उद्यमिता विकास क्रम। आज जो भी गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि हर गांव, हर घर की औरत एक सक्षम हो, पैरों पर खड़ी हो। जैसे मैं निर्मल, कम से कम मैंने अपने इस समाज के लिए 50 वर्ष मेरे भी हो गए हैं, मैंने इन लोगों को ही ट्रेंड किया है। और आज देखूँ, जॉब की, पैसे की बात करूँ, तो पैसा मेरे पीछे पीछे भागता है, मैं आगे भागती हूँ, पैसे मेरे पीछे भागते हैं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है बैंक में कैसे जाना, लोगों को कैसे मोटिवेशन दे, लोगों को कैसे प्रेरित कर, ये मेरे में मतलब एक जागरूक थी मैं। तो थैंक यू। समाज को मैं जैसे देश देना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट किया है, सेल्फ क्रिएट किया है, मैं भी चाहती हूँ कि लोग ये ट्रेनिंग लेके खुद भी काम करें, दो चार और भी काम करें। दैट मीन अपने आप को उद्यमशील व्यक्ति बनाओ, क्योंकि अगर उद्यमशील व्यक्ति ये महिला बनेगी तो आने वाले टाइम में इनके बच्चों को, जैसे हमारे सामने इधर बोला कि कश्मीर में जब कोई स्ट्राइक होती, कोई हड़ताल होती है, तो वो औरतें घर में बैठ के अपना कसीदाकारी या एम्ब्रॉयडरी करते हैं। हमारा भी मेन मोटिव यही है कि ये औरतें भी अपना काम करें और अपने पैरों पर खड़े हो। ये निर्मल का संदेश है और आरसेटीबी का भी यही संदेश है और उनके स्टाफ का भी पूरा यही संदेश है कि लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थैंक यू सर।